नमस्कार दोस्तों, 8 PM विद धर्मेंद्र कुमारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा पेशा है जिसके रिजल्ट एक दो दिन में नहीं मिलते हैं। आप बच्चे को आज पढ़ाना शुरू करेंगे और उसके रिजल्ट आपको 12, 15, 20 साल में जाकर मिलेंगे। आज मेरे साथ हैं सरिता जी। हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षा पुरस्कारों की घोषणा की है और सरिता जी को ये पुरस्कार आज मिला है। इनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है और उन बच्चों का भी बहुत बड़ा दिन है जिन्होंने सरिता जी से पढ़ा है। गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोखरा, साक्षी मलिक का ये गांव है, आपने ज़रूर सुना होगा। उस गांव की ये प्रिंसिपल हैं उस स्कूल में। आज सरिता जी से बात करते हैं इनकी उपलब्धियों पर। सरिता जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और एक की बहुत बड़ी उपलब्धि आपने आज हासिल की है, कैसे संभव हो पाया ये? संभव तो ये मैं आपको कहूँ कि हमारे विभाग की एक नीति है कि हर साल राष्ट्रीय शिक्षक और राज्य शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं और वो कोई अलग से कुछ नहीं, केवल जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ के तहत ही अगर हम अपनी ड्यूटी को प्रॉपर कर रहे हैं जी, तो उसके लिए आप काबिल हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको ज़रूर वो मिल जाता है। सरिता जी, एक छवि होती है, जैसे सरकारी है तो कुछ अच्छा नहीं होगा, एक छवि है। तो आपने अब मोखरा स्कूल में ऐसा क्या है कि ये छवि वहाँ टूट गई और वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ने के लिए आती हैं? सर, छवि है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इस छवि को बनाने वाले भी हम ही हैं और मिटाने वाले भी हम ही हैं जी। वही बात है कि अगर हम अपने काम को, अपनी ड्यूटी को पूरी लगनता से और तन्मयता से करते हैं तो चाहे वो प्राइवेट और चाहे वो सरकारी हो, आपको सफलता मिलेगी। मेरा भी एक लक्ष्य यही रहा था कि बार बार सुनने को मिलता था सरकारी स्कूल में ऐसा है, सरकारी स्कूल में वैसा है, तो मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि आप कंपेयर कीजिए। अच्छा। जो सुविधाएं, जो चीज़ें आपको वहाँ हैं और यहाँ ना मिले तो आप कहना, तो बशर्ते आप सहयोग दें जी, बशर्ते सोसाइटी का सहयोग हो। अब कहीं और बच्चे को भेजते हैं तो हमें कहें कि बॉटल भी आपकी प्रॉपर है, आपका यूनिफॉर्म भी प्रॉपर है, आप बस तक उसको लेकर के भी जा रहे हो, आप उसको पूरा टाइम भी दे रहे हैं जी। और अगर बच्चे को आप सरकारी स्कूल में भेज रहे हो तो आप उससे ये भी ना पूछे बेटा काम मिला था या नहीं, आपने किया या नहीं, तो इसमें फ़र्क है सर। तो अगर पेरेंट्स हमें इतना सहयोग देते हैं तो इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट सोसाइटी का जब तक टीचर्स के साथ नहीं होगा, अकेला बच्चा और टीचर कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा। टीचर्स को प्रयास बहुत अधिक करने पड़ते हैं जिन पेरेंट्स का इग्नोरेंस है बच्चों के लिए कहें, या अशिक्षा की वजह से वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो करीबन 600 बच्चों ही आपके स्कूल में हैं टोटल मिलाकर आपके प्राइमरी से। हाँ जी। तो इन 600 बच्चों में हर बच्चा अपनी एक विशेषता लिए होता है। बिल्कुल सर। तो जैसे मोखरा स्कूल की हम लगातार खबरें भी छापते हैं, कोई बच्ची कला में आगे जा रही है, कोई बच्ची खेल में आगे जा रही है, कोई बच्ची पढ़ाई में आगे जा रही है, तो ये अलग अलग तरीके कैसे निकाले आपने सारे बच्चे? सर देखो, हमारे पास घर में लगाओ या बाहर लगाओ, जब हम काम करते हैं, बच्चे ही नहीं हमारी टीम में भी स्टाफ भी ऐसा ही होता है, कोई किसी चीज़ में महारत हासिल किए हुए तो कोई किसी चीज़ में, तो हमें थोड़ी सी स्टडी करके उसकी एनर्जी वहीं पे देनी होती है कि इस एनर्जी को अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। वही हमने किया। प्रायोरिटी हमारी एकेडमिक तो है ही जी, सबसे पहले तो वही है। बावजूद इसके जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट ने दे रखी हैं, टाइम टू टाइम शेड्यूल है जो, उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को हम एक मोटिवेशन ही देते हैं। जैसे मैंने अपने स्कूल में 4 हाउस बना रखे हैं। अच्छा। तो 4 हाउस में सारे के सारे बच्चे बटे हुए हैं, हम हाउस का ही कॉम्पिटिशन करवा देते हैं। अच्छा, आपके हाउस जैसे प्राइवेट स्कूलों में हाउसेज हैं? यस सर, यस सर, हाँ जी। मैं 2008 में प्रिंसिपल बनी थी और मैंने ये काम तभी से शुरू किया हुआ है। तो 4 हाउसेज के अंदर हम बच्चों को छांटते हैं, शनिवार के दिन हम लेते हैं, शनिवार को 2 घंटे। अच्छा, हमारे टाइम में जो बाल सभाएं होती थी वो बिल्कुल बिल्कुल वही चीजें जो हम भी बाल सभा से निकले हुए हैं और आजकल उसको नाम हमने जॉयफुल सैटरडे दे दिया। अच्छा। उसमें क्विज करवा लेते हैं, कल्चरल का करवा लेते हैं, उससे हमें 2 बेनिफिट होते हैं सर हमारा उस वीक में। एक दिन बच्चों का एक तो ये हो जाता है केवल पढ़ाई 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 ये नहीं है, और बच्चों की थोड़ी इंट्रेक्शन भी बढ़ती है जिस एक्टिविटी से। बिल्कुल, वो टीचर्स के किसी ना किसी के उसमें होते हैं और टीचर्स में भी कोई ना कोई गुण होता है सर जी। अलग से कोई पोस्ट नहीं है मेरे मोखरा स्कूल में कि म्यूज़िक की पोस्ट है या कोई अदर एक्टिविटी के लिए है, जो टीचर्स हैं सब स्कूल्स में लगभग वही हैं।
तो उन बच्चों के अंदर जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स होते हैं ना, उनको एक बार थोड़ा सा ढूंढने के लिए हम सारा स्टाफ शनिवार को इकट्ठा बैठते हैं और उसमें देख लेते हैं। हमारी 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, टीचर्स डे है, चिल्ड्रन डे है, इसके सेलिब्रेशन के लिए एक छोटा छोटा सा प्रोग्राम करवाते रहते हैं। उन्हीं बच्चों से वही तैयार हो जाते हैं, वही जब डिपार्टमेंट कॉम्पिटिशन रखता है उन्हीं बच्चों के नाम हमें याद, उसको ये दो भाई, उसको ये दो, पता लग जाता है आपको। यही है तो मतलब ये जो जॉयफुल एक्टिविटी है, ये जो सोच के जो बनाई थी उसका उद्देश्य इस तरह पूरा हो रहा है। बिल्कुल, बच्चों के अंदर मतलब अगर खाना पूर्ति ना की जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। वाकई हर चीज में ये लग सर, किसी भी चीज में अगर हम खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो जॉयफुल सैटरडे का एक ये अपने आप में है सर बेनिफिट। अभी आपको 2 साल की और जिम्मेदारी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, मतलब आप 58 नहीं अब 60 साल की सर्विस करेंगे, यानी कि सोसाइटी को आप ज्यादा दे सकेंगे। बिल्कुल, तो आपका तो मन तो हमेशा ही टीचर बने रहने का करता होगा, या फिर आप अब नहीं पढ़ा पाते हैं या प्रशासनिक काम ज्यादा रहते हैं? देखो प्रशासनिक काम तो सर रहते हैं पर बेसिकली हम टीचर हैं। अच्छा। और अभी भी मैं जब से मैं प्रिंसिपल बनी मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन ना पढ़ाया हो। अच्छा, क्लास लेते हैं? हाँ, कभी कोई क्लास, कभी कोई मुझे अगर 10 मिनट भी मिलते हैं क्लास में, राउंड पे जाते वक्त भी कई बार ऐसा होता है कि चलो टीचर किसी काम से इधर उधर कुछ कर रहा है तो मैं कहती हूँ आप ये काम करो, चलो मैं ये ले लेती हूँ। और एग्जाम के डेज में तो खास तौर पे बोर्ड की क्लासेस को मैं एक्स्ट्रा पहले भी लेती थी और अभी भी लेती हूँ। अच्छा, स्कूल टाइम के बाद? स्कूल टाइम से पहले लेती हूँ सर। अच्छा। बाद में बहुत कम, इस सेशन तो मैंने बाद में भी लिया। हाँ जी, मॉर्निंग में सुबह जल्दी जाती हूँ। इस सेशन में कोरोना के कारण क्लासेस कम लग पाई थी तो मैंने 10th और 12th दोनों को सर सुबह मॉर्निंग में भी 1 घंटा पहले और इवनिंग में भी 1 पीरियड लास्ट तक विलिंग बच्चे आए। मैं कहा यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए नहीं रुके, सारे आते होंगे, मोस्टली बच्चे आते थे सर, 5% तो रह जाते हैं चलो, पर मोस्टली बच्चे मेरे पहुँचते थे। और हमारी इतनी अच्छी तैयारी होगी थी, जो शुरू में बच्चे कह रहे थे मैम ये लग रहा है इस बार तो डर लग रहा है, डेली मेरी आदत शुरू से रही है सर कि मैं पीछे बुलवाती हूँ बच्चों। अच्छा। और फिर कहती हूँ अब तुम याद करके इसको लिख के जरूर देखना। मैम ट्रेंड बदल गया है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें अलग अलग तरीके से पढ़ाया, जैसे हम मुर्गे भी बनते थे हम बेंच पे भी खड़े होते थे, ग्राउंड के चक्कर भी लगाते थे, लेकिन आजकल एक ट्रेंड है कि बच्चों को बस प्यार से कराओ सब प्यार से। तो आपका क्या अनुभव है कि बच्चा प्यार से ही पढ़ता है या मार से भी पढ़ता है? सर मैं अपना पर्सनल अगर बताऊं, देखो विभागीय जो हमारे आदेश है कि बच्चों को दंडनीय अपराध है, पीटना धमकाना डांटना नहीं है, पहली प्रायोरिटी तो सभी की होती है आराम से काम हो जाए तो वेल एंड गुड है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर, अगर आप उनको आंख नहीं दिखाओगे तो करेंगे नहीं, कुछ ऐसे होते हैं, एक दो थप्पड़ नहीं लगाओगे तो नहीं करेंगे, एक दो ऐसे भी होते हैं जब तक उनके घर से पेरेंट्स को नहीं बुलवा लोगे तब नहीं करेंगे। सबकी दवाई अलग अलग है, तो अपनी अपनी दवाई है, तो उस बच्चे को भी हमें देखना पड़ता है। कुछ को यूं ही कह देना अच्छे से बैठ, ठीक से नहीं बैठी, वो तभी रोने लग जाती है, वो इतना सेंसिटिव है कि उसको टोक बर्दाश्त नहीं। लड़कियां वैसे भी सेंसिटिव होती हैं, आप लड़के तो हर तरह के, मैं डांटती भी बहुत हूँ सर, इधर उधर बच्चा घूमता दिखाई दे जाता है, कड़ा अनुशासन है आपके स्कूल में? हाँ, कोशिश पूरी रहती है कि बच्चे अच्छे से। क्या ये अनुशासन आप टीचर्स में भी रख पाते हैं, क्योंकि अक्सर टीचर्स की ये शिकायत आती है कि वो लेट आते हैं स्कूल में? सर टचवुड मैं तो ये कहूंगी मेरे स्कूल में ऐसा नहीं है, नहीं है, सब टाइम पे पहुंचते क्योंकि हैं, आप खुद टाइम पे पहुंचते हैं। यस, ये भी हो सकता है इसका। हाँ जी सर, हाँ जी, क्योंकि अगर आपका लीडर टाइम पे पहुंचता है तो चीजें अपने आप दुरुस्त होना शुरू हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, सभी तो, कर्मठ है स्टाफ। तो मोखरा स्कूल का जो मॉडल है अगर उसको सारे स्कूलों में लागू किया जाए तो क्या ये प्राइवेट स्कूलों से सारे स्कूल आगे निकल सकते हैं? बिल्कुल सर, कम्पीट कर रहे हैं, मोखरा मोखरा ही नहीं, आज के दिन तो बहुत सारे स्कूल हमारे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल को मात दे रहे हैं। लोग गवर्नमेंट के जो तरफ से ऐड वगैरह आ रही है उसके एक्स्ट्रा, अच्छा, अपने एफर्ट से, चाहे वो सोसाइटी से ले रहे हैं, चाहे अपने रिलेटिव से ले रहे हैं, चाहे खुद कर रहे हैं, ज़्यादातर स्कूलों की छवि बदली है। आप न्यूज़ पे भी देखते होंगे, हमारे स्कूल वाले आजकल वीडियोस बना बना के अपने अपने स्कूल की डालते हैं तो हम देखते हैं, वाह मन बड़ा खुश होता है कि इतना डेडिकेशन, तो फिर हम पीछे कैसे रह सकते हैं? वेल ट्रेंड टीचर सर कैसे पीछे रहेंगे? हाँ जी, हाँ, सबसे ज्यादा ट्रेंड तो आप लोग ही हैं, ट्रेंड टीचर्स हैं हमारे पास, बताओ दिक्कत तो कुछ है नहीं। कहावत भी वैसे कहते हैं लोग मजाक में कि सरकारी स्कूलों के जो टीचर होते हैं उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और प्राइवेट वालों के सरकारी में पढ़ते हैं। बिल्कुल, ये बात अभी सत्य है आपकी, इस बात से इसको बदलना पड़ेगा, इसको बिल्कुल बदलना पड़ेगा और बदल रहा है, हो रहा है। अभी आज की मैं, मुझे आज ही जैसे हम बात करते रहते हैं,
मेरे साथ में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोखरा मॉडल संस्कृति स्कूल अभी बना है जी। उसमें जो स्टाफ अभी डेप्यूट होके आया ना, ट्रांसफर हुआ है जैसे जी। वो अपने बच्चों को साथ लेके आ रहे हैं, तो ये नाइन्थ में और इलेवेंथ में उनका बच्चा पढ़ रहा है, तो सर ट्रेंड बदल रहा है जी जी। ऐसा नहीं है। तो आपने इस पुरस्कार के लिए पहली बार ही अप्लाई किया था या इससे पहले भी? हाँ जी सर, मैंने पहली बार ही अप्लाई किया था और सच पूछो तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अप्लाई करूँगी जी। मेरे माइंड में भी जैसे आप कह रहे हैं एक छवि बनी हुई थी, छोड़ो ना कहाँ इन चीज़ों में इतना टाइम देना और होती भी नहीं है, इधर उधर से ये हो जाता है वो हो जाता है, ये वाली एक छवि थी और सारा रिकॉर्ड असेंबल करना पड़ेगा क्योंकि मैं देख रहा था इतनी मोटी फाइल आपकी। हाँ, क्योंकि एक 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 एक्टिविटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना, साथ में प्रूफ भी देना है। तो वो प्रूफ देने के लिए अब कई बार फोटोज फोन से उड़ जाते हैं या इधर उधर से कोई लेटर ना मिलके टेलीफोनिकली भी मैसेज हो जाते हैं, तो उन सब को अरेंज करना सर बड़ी दिक्कत थी। पर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक मॉरल सपोर्ट मिली मेरे अपने नॉन से सुनील मेहरा जी। अच्छा। उन्हें भी स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, उनके मिसेज भी प्रिंसिपल हैं। अच्छा। महम गर्ल्स स्कूल में, तो कहते कि ऐसे ही जैसे उनकी मिसेज हैं तो मिलते रहते हैं हम लोग, मैम ब्लॉक में ही वो भी हैं पोस्टेड, कि आप के रोज़ अखबार में आते हैं, आपके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। लास्ट टाइम जो रिज़ल्ट था सर हमारा, उसमें हमारे स्कूल की लड़की तन्नो डॉटर ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट में सेकंड नंबर पर थी, 98% थी। उसके बाद गरिमा थी लड़की, उस लड़की के 97 थे, फिर एक स्वीटी थी लड़की कुलदीप की, उस लड़की के 96% नंबर थे, और जो गरिमा मैं बता रही हूँ उस लड़की का तो कल ही मैसेज आया, वो PNB में अपॉइंट हो गई है। अच्छा। अभी कल उसने बताया, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप स्टेट अवार्ड के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते, और आपकी एक्टिविटी भी बहुत है, अचीवमेंट्स रहती हैं, कभी स्पोर्ट्स में है कभी कुछ। मैं छोड़ो ना कौन नहीं सब चक्कर में वो करे, बोले नहीं नहीं करना चाहिए है, तो बस उन्होंने जैक लगाया सर, और मैंने भी मन बनाया, मैं कहा चलो कोशिश करते हैं। उनका मोटिवेशन काम आ गया, उनका मोटिवेशन। फिर मैंने देखो मेरे BO थे उस वक्त सुनीता बेनीवाल जी मैडम, उनसे मैंने ऐसे कहा, कहती बिल्कुल करना चाहिए क्यों नहीं करें। फिर एट प्रेजेंट BO हैं विजेंद्र हुडा जी, वो हमारे बैच के ही हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे वो निकला हुआ क्या कुछ है इसमें, मुझे इतना इसका पता नहीं है, मैं इसमें करूं या नहीं। बोला घुसोगे नहीं तो देखोगे कैसे क्या है, घुसोगे तो ही तो पता चलेगा, करो आप, करना भी चाहिए, और मेरी सपोर्ट की कहीं ज़रूरत हो तो बताओ। मैं यहाँ अपनी जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे डॉक्यूमेंट्स के लिए। मुझे चाहे उनको शाम को या सुबह जिस टाइम भी मैंने उन्हें कहा कि मैम अब इस तरीके से करना है इसको, इस तरीके से और आपके साइन चाहिए, उन्होंने एक बार भी मुझे डिनाई नहीं कहा, कहती मेरा तो काम है, किसी भी टाइम आओ मेरा काम है मैं करूँगी, इसके लिए कोई थैंक्स भी नहीं, और मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और आप अप्लाई करो आप डिज़र्व करते हो। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला मेरे उच्च अधिकारियों से, तो इसके लिए मैं अपने सभी उच्च अधिकारियों का मन की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगी। जय हिंद।